वहीं दिल्ली में नगर पालिका परिषद के सम्मेलन कक्ष में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से होगा, जबकि इसकी शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता के भाषण से होगी। बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से पदाधिकारी वर्चुअली शामिल होंगे। वहीं मध्य प्रदेश से 21 सदस्य शामिल होंगे। इसमें 10 पदाधिकारी दिल्ली की बैठक में फिजिकली मौजूद होंगे, जबकि 11 राजधानी से वर्चुअली जुड़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो भाजपा कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, पूर्व मंत्री विधायक अजय चंद्राकर, सांसद अरुण साव और पूर्व मंत्री लता उनसेडी सहित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़ेंगे। बता दें कि बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण सरीखे, बीजेपी के सभी प्रमुख और वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे। इस बैठक में आगामी 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 साल में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित होंगे। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल संवाददाता दुर्गेश गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। दुर्गेश, क्या कुछ जानकारी देखा जा रहा है? बीजेपी की कार्य समिति की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक के इसमें तमाम केंद्रीय मंत्री बैठक में मौजूद होंगे। क्या कुछ इस बैठक का उद्देश्य? बिल्कुल कृतिका, आज राष्ट्रीय कार्य समिति की भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने जा रही है, जो सुबह 10 बजे से शुरू होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इसके उद्बोधन से शुरुआत होगी और दोपहर के 3 बजे तक यह बैठक चलेगी। 3 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन के बाद में यह बैठक समाप्त होगी। इस बैठक के जो अहम मुद्दे हैं, जो अहम विषय हैं, वह यह है कि राजनीतिक विषयों पर चर्चा होगी इस बैठक में और जितने भी नेता हैं आगे के जो 5 विधानसभाओं में 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मिजोरम, इन चुनावों की रणनीति क्या रहेगी और चुनावों को किस तरीके से आगे करना है, इसके इन विषय पर चर्चा की जाएगी। जी जी दुर्गेश, देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से भी कई यहाँ के दिग्गज नेता वहाँ पर वर्चुअली रूप से बैठक में जुड़ेंगे, तो लगभग कितने लोग यहाँ से वर्चुअली इस बैठक में जुड़ने वाले हैं? बिल्कुल, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल 21 लोग इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें से 10 लोग दिल्ली से इस बैठक में शामिल होंगे और 11 लोग यहां मध्य प्रदेश से शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के संगठन की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, सुभाष भगत, हितानंद शर्मा जैसे कई तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे और शामिल होंगे। जी जी बिल्कुल, हमारे साथ धीरेन्द्र भी बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से। धीरेन्द्र, क्या कुछ जानकारी देखा जा रहा है? आज बीजेपी कार्य समिति की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इसमें तमाम केंद्रीय मंत्री जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन से दिग्गज वहां बैठक में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, मुख्य तौर पर डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो वहां दिल्ली में एक्चुअल तरीके से वहां पे शामिल होंगे, मतलब बैठक जो हो रही है वहां पे वो मौजूद रहेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो अन्य जो भाजपा के नेता है, जो राष्ट्रीय सदस्य है कार्यकारिणी के, वो वर्चुअली जुड़ेंगे। बीजेपी का प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लगभग 8 से 9 ऐसे लोग हैं, जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, वो वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई तमाम सांसद और अन्य बड़े नेता हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात रहेगी कि वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी हो सकता है कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अपनी बातें रखें, यहाँ की परिस्थितियों से अवगत कराएं, लेकिन मुख्यतः जो बात समझ में आ रही वो यही है, जैसे कि आपने भी बताया कि तमाम विधानसभा चुनाव होने कई राज्यों में, उस पर रायशुमारी के लिए इन सभी को आमंत्रित किया था। जी धीरे, लेकिन देखा जाए तो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक यानी दिन भर चलने वाली इस बैठक में छत्तीसगढ़ से यदि बात की जाए तो कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे? हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी विपक्ष की भूमिका में है, तो पिछले कुछ दिनों से सबसे प्रखर तरीके से उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई अन्य विषय हैं, जैसे कि यहाँ पर जो सत्ताधारी दल है उसको घेरने के लिए किस प्रकार से यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता रही है, उसको लेकर बीजेपी लगातार मुखर रही है। तो छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में बीजेपी ने किस किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया, कितना उस पर वो सफल हो पाए, इन सारी बातों की रिपोर्ट भी शायद बैठक में प्रस्तुत की जाए। बिल्कुल दुर्गेश, यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आगामी जो 2023 के विधानसभा चुनाव है उसको लेकर यानी ये कहा जाए कि बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है।
तरीके से विधानसभा उपचुनाव में जो रिजल्ट रहा भारतीय जनता पार्टी को, यह संतोषजनक नहीं रहा। काफी कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ का जो संगठन है उस पर चिंता की लकीरें स्पष्ट तौर से देखने को मिलती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2023 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उस पर भारतीय जनता पार्टी अब कमर कस रही है और लगातार अब इस बैठक के जरिए इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी कि आगे की जो रणनीति रहेगी, चुनावी जो रणनीति रहेगी वह किस प्रकार की रहेगी और किस तरह से जनता के सामने केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको जनता के सामने पेश करना है और राज्य की जो योजनाएं हैं उनको किस तरह जनता तक पहुंचानी है। जी बिल्कुल, धन्यवाद दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद धीरेन्द्र तमाम जानकारी के लिए।